सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई कैसे आप काइनमास्टर के अंदर अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग प्लस कलर करेक्शन कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं काइनमास्टर पर। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले हमें क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी वीडियो के हिसाब से कोई भी एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहां से 16:9 चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप यहां से अपना वीडियो ऐड करेंगी जिस वीडियो को आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो। सो ये आप देख सकते हो मैंने अपना जो वीडियो क्लिप है उसको ऐड कर लिया। उसके बाद आपको इसको ना पे क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारा वीडियो आ चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल एक रॉ फाइल है आप देख सकते हो और ये कोई भी किसी भी तरह की एडिटेड फाइल नहीं है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडजस्टमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले थर्ड नंबर पे मिलता है सेचुरेशन। इसका जो सेचुरेशन उसको आपको इंक्रीज कर लेना है। सो अराउंड आप इसे 90% तक कर लेना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो 90% मैंने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना ब्राइटनेस पर और इसका ब्राइटनेस को आपको इंक्रीज करना है। सो अराउंड आप 8% तक कर लेना। सो या 10 के अराउंड आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट को हम यूज़ करना है। सो कॉन्ट्रास्ट को हम यूज़ करेंगे अराउंड 20% तक, ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है नीचे स्क्रॉल करके और अभी आपको आ जाना है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पर आने के बाद आप यहाँ से अपनी वीडियो पर, यहाँ पर आपको दो टोन मिलता है। सो आप देख सकते हो अगर आप इसे लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे तो आपको कुछ ऐसा टोन मिलेगा, एक आप इसे कह सकते हो ग्रीन वाला टोन, और अगर आप इसे राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का टोन मिलता है। तो हमें इस टाइप का टोन चाहिए। सो इसे हम अराउंड 15% तक रख लेंगे माइनस, और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना हाईलाइट पर। सो हाईलाइट से आप अपनी जो फेस उसको ब्राइट कर सकते हो, अपना जो ओवरऑल वीडियो उसको ब्राइट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो, तो इसे हम अराउंड कर लेंगे 35%, ठीक है। सो आप देख सकते हो मैं अपनी वीडियो के हिसाब से कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपनी वीडियो के हिसाब से कर सकते हो या आप सेम सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो पर। और यहाँ से हम शेडो को ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, शेडो का अराउंड 12%। सो इसको आपको 3% अप्लाई करना है। सो ये मिलता है गेन, तो गेन को आपको 3% अप्लाई करना है। उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ह्यू, ह्यू को आपको -3% कर लेना है। सो -3% आई गेस, सो -3%, ओके। सो इसको मैंने -4% कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक, बैक आने के बाद आपको थोड़ा ऊपर में स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर, कलर फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलता है बेसिक, इसके ऊपर क्लिक करना है। बेसिक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये मिलता है B09, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे आपको अपनी वीडियो पर अप्लाई करना है। उसके बाद इसका ओपासिटी आप यहाँ पर कम या ज़्यादा करके देख सकते हो। सो इसे मैं रख लेता हूँ अराउंड 35%। उसके बाद आपको इसको ना पे सिंपली कर देना है डन। सो डन करने के बाद अभी आप देख सकते हो हमारा वीडियो ऑलमोस्ट जो है कलर ग्रेडिंग हो चुका है। यहाँ पर अभी हमें एक और इफेक्ट ऐड करना है जिसके लिए हम लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिलता है ऑटो HDR, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपके पास ये इफेक्ट नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करने के लिए ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये मिलता है कलर, इसके ऊपर क्लिक करना है। कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और ये मिलता है ऑटो HDR, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। सो बेसिकली डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोड करने के बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। सो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आप क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करके आ जाएंगे बैक और यहाँ से ऑटो HDR के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ऊपर में सिंपली कर देंगे डन। सो डन करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस इफेक्ट को अपनी पूरी वीडियो पर यानी पूरे स्क्रीन पर इस तरीके से फिल कर लेना है काफ़ी एक्यूरेट तरीके से, और ये स्क्रीन के बाहर भी नहीं जाना चाहिए। सो अगर बाहर चला जाता है तो आपकी वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलता है अल्फा ओपासिटी, इसका अल्फा ओपासिटी आपको बिल्कुल कम कर लेना है। सो कम करके अराउंड आप इसे 25% कर लेंगे। देन आपको यहाँ से आ जाना है बैक, बैक आने के बाद सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और इसका सेटिंग्स अभी आप यहाँ से कम ज़्यादा करके देख सकते हो। सो मैं इसका अराउंड सेटिंग कर लेता हूँ 25%। उसके बाद इसको ना पे सिंपली कर देना है डन। सो अभी आपको क्या करना है, इसे अपना जो पूरा वीडियो उस पर अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो टाइमलाइन को आप कुछ इस तरीके से जो है पूरा वीडियो पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
और ये आप देख सकते हो हमारा वीडियो जो है कलर ग्रेडिंग हो चुका है। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाया था, सो आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से हमने अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग किया। और यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो को ओरिजिनल वीडियो ऐड करके भी दिखाया था, सो मैं सेम वीडियो दोबारा ऐड कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। सो ये हमारा आप देख सकते हो ओरिजिनल वीडियो और जो हमने एडिट किया था वो कुछ ऐसा था। सो मैं आपको एक चीज़ दिखाया था, इसको फुल स्क्रीन कर लेती और यहाँ पर हम आ जाते इन एनिमेशन पर और यहाँ से वाइप राइट इफेक्ट को एक बार अप्लाई करते तो ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ, तो सो आप देख सकते हो पहले रॉ फाइल हमारा वीडियो कुछ ऐसा था और हमने कलर ग्रेडिंग करके हमारा जो वीडियो उसको ऐसा कर लिया। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फर्क बन चुका है हमारे वीडियो के अंदर। सो बेसिकली इस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर कलर ग्रेडिंग प्लस कलर करेक्शन कर सकते हो। सो मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो के अंदर दिखा दिया। अभी अगर आप अपना वीडियो सेव करना चाहेंगे तो इसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगी और यहाँ से आप रेजोल्यूशन चूज़ कर लेंगे 1080p, फ्रेम पर सेकंड सेकंड को आप 60 चूज़ कर लेना। सेव एज़ वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।